हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ITJ में स्वागत है। जो आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल चार्ट के बारे में, तो आज हम जानने वाले हैं कंट्रोल चार्ट क्या होता है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इसको बनाते कैसे हैं और इसके अंदर कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा ट्रेंड इंडेक्स है जिसके बेस हम आज की वीडियो को पूरा करने वाले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको हमारा इस टॉपिक पे स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसमें डिफाइन किया हुआ है कंट्रोल चार्ट्स के बारे में, उसके एलिमेंट्स के बारे में, इसके प्रिपरेटरी स्टेप्स क्या हैं, इसको बनाते कैसे हैं और इसके अंदर कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं और कितने तरह के कंट्रोल चार्ट्स होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको स्टडी मटेरियल SPC के ऊपर भी चाहिए, SPC मीन्स स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के ऊपर, तो उसका भी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसको इजीली ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम कंट्रोल चार्ट के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो कंट्रोल चार्ट होता है वो प्रोसेस को इवेल्युएट करने के लिए या मॉनिटरिंग करने के लिए काम में आता है, मीन्स हमारा प्रोसेस कैसा चल रहा है उसको चेक करने के लिए हम कंट्रोल चार्ट यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स जो कंट्रोल चार्ट होता है वो दो तरह के होते हैं, वेरिएबल कंट्रोल चार्ट और एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट। अब ये जो वेरिएबल कंट्रोल चार्ट है ये वेरिएबल डाटा के ऊपर बनता है और जो एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट है वो एट्रीब्यूट की डाटा के ऊपर बनता है। एट्रीब्यूट डाटा मीन्स ओके, एनजी, गो, नो गो, एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, ये जो डाटा है ये एट्रीब्यूट डाटा है, तो इसके लिए हम एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारा जो डाटा है वो वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स क्वांटिटेटिव डाटा है, जैसे कि डायमीटर कितना है हमारा या लेंथ कितनी है हमारी, तो इस तरह का जो डाटा होगा उसमें हम वेरिएबल कंट्रोल चार्ट यूज करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स हमेशा वेरिएबल कंट्रोल चार्ट को ज्यादा प्रीफर्ड करते हैं हम एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट से। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कंट्रोल चार्ट में नंबर्स ऑफ डाटा रिक्वायरमेंट जो है वो कम रहता है, प्लस में जो एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट है वो अच्छा रहता है, तो इसलिए हमेशा हम वेरिएबल कंट्रोल चार्ट को ज्यादा प्रीफर करते हैं एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट से। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जानते हैं कि कंट्रोल चार्ट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आता है एप्रोप्रिएट स्केल, मीन्स जो हमारा कंट्रोल चार्ट है उसका जो स्केल है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अप्रोप्रिएट मीन्स जो प्रोसेस के नेचुरल वेरिएशन को पकड़ सके, मीन्स प्रोसेस में जितना वेरिएशन है उसको वो कैप्चर कर पाए इजिली और वो प्रॉपर विजुअल भी हो जाए और डिस्प्ले भी हो जाए हमारे लिए, तो वो उस स्केल को हम एप्रोप्रिएट स्केल कहेंगे। अगर हम इसमें फर्स्ट वाला जो चार्ट देखें, इसमें ये जो चार्ट बना हुआ है इसका जो स्केलिंग इतना छोटा है कि हम इसको इजिली नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन सेकेंड वाले में अगर हम देखें तो इसमें जो स्केलिंग है प्रॉपर वे में है और हम इजिली हम देख पा रहे हैं कि कितने पॉइंट जो है वो आउट ऑफ द कंट्रोल लिमिट है, कितने इनसाइड द कंट्रोल लिमिट है और कैसा पैटर्न बन रहा है, तो फ्रेंड्स इसको हम एप्रोप्रिएट स्केल कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल लिमिट या फिर सेंटर लाइन। तो फ्रेंड्स जब भी हम कोई कंट्रोल चार्ट बनाते हैं तो इसके अंदर तीन लाइन जरूर होती है, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट और सेंटर लाइन, है ना। तो प्रोसेस को अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में हमें मेंटेन करना होता है। सेंटर लाइन जो कि हमारे एक टारगेट है जहां पे हम चाहते हैं कि प्रोसेस आए, ऑल्दो वेरिएशन होगा उसमें, लेकिन जो हमारा टारगेट है वो सेंटर लाइन आएगी, वो हमेशा अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा सब ग्रुप सिक्वेंस या फिर सब ग्रुप टाइमलाइन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सिक्वेंस है डाटा कलेक्शन का वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए जिससे कि वो स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन को पकड़ पाए, मीन्स इसमें कोई स्पेसिफिक डिफाइन नहीं है कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए, मतलब हमें डाटा कलेक्ट 15 मिनट में करना है या 1 घंटे में करना है या 10 घंटे में करना है, ये जो सीक्वेंस है या ये जो टाइमलाइन है ये डिफाइन नहीं है स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल स्टडी के लिए, लेकिन ये जो सीक्वेंस है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए जिससे कि जो स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन है वो हम इजिली कैप्चर कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल प्लॉटेड वैल्यूज। तो फ्रेंड यहाँ पे जो भी प्लॉटेड पॉइंट है जो कि आउट ऑफ द कंट्रोल लिमिट है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कंट्रोल चार्ट के अंदर, मीन्स अपर कंट्रोल लिमिट है और लोअर कंट्रोल लिमिट है। अगर कोई भी जो पॉइंट है प्लॉटेड पॉइंट जो है वो इन दोनों कंट्रोल लिमिट के बाहर आ गया तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये हमारे एक एलिमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं इवेंट लो। तो फ्रेंड्स ये जैसे नाम से पता लग रहा है इवेंट को जो कैप्चर करना, इवेंट को कैसे कैप्चर करेंगे, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें हम 7th नंबर का जो स्पेसिफिक सब ग्रुप है, आप फर्स्ट नंबर चार्ट के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर ये जो पॉइंट है
अपर कंट्रोल लिमिट के बाहर है ना। अब ये अपर कंट्रोल लिमिट के बाहर क्यों गया, उस समय कुछ ना कुछ प्रोसेस में हुआ होगा या हमने किया होगा जिसके कारण ये बाहर गया। अब उस चीज को हम अगर कैप्चर करना हो तो कहाँ कैप्चर करेंगे, उसको हमें कैप्चर करना होगा तो हम करेंगे इवेंट लॉग में। तो इवेंट लॉग में अगर आप देखें, आप यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि सब ग्रुप एक के अंदर क्या हुआ था, सब ग्रुप फोर के अंदर क्या हुआ था, मतलब कुछ भी अगर चेंज हमने किया है, कुछ भी करेक्शन किया है, कुछ भी मॉडिफिकेशन किया है ना, तो उसको हम इवेंट लॉग में डालेंगे। तो जैसे 7 नंबर पॉइंट के अंदर क्या है, फर्स्ट शिफ्ट थी, मटेरियल लोड था 2179, ये स्टार्ट हुआ था और जो बैड इंसर्ट थी उसको रिप्लेस किया था, मींस इंसर्ट चेंज हुई थी इस पर्टिकुलर 7 सब ग्रुप के लिए। तो एक तरह से देखा जाए ये जो कंट्रोल लिमिट के बाहर गया, इसके रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी हुई थी जिसके कारण वो बाहर गया, है ना। तो इस तरह से इवेंट लॉग में हम कैप्चर करते हैं कि क्या क्या इवेंट्स हुए और कब कब हुए, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं कि कंट्रोल चार्ट को बनाते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करना पड़ेगा, मींस किस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर हमें एसपीसी स्टडी करनी है। वो देखेंगे कि भाई वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एट्रीब्यूट है या वेरिएबल है, क्योंकि उस बेस पे हमें कंट्रोल चार्ट को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें मेजरमेंट सिस्टम को डिफाइन करना पड़ेगा, कि मतलब जो भी स्पेसिफिक हमने कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करी उसको हम किस चीज से मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी चीज का डायमीटर को हमने कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन किया है कि भाई हम डायमीटर के ऊपर एसपीसी या कंट्रोल चार्ट बनाएंगे, तो उसका जो मेजरमेंट सिस्टम वो आपका माइक्रोमीटर हो सकता है, तो उसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि भाई माइक्रोमीटर को हम यूज कर रहे हैं अब इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करने के लिए, तो ये हमारा मेजरमेंट सिस्टम है ना। या फिर बात करें कोई लेंथ है, लेंथ को आप मेजर कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर वर्नियर से, तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे मेजरमेंट सिस्टम जो है वो वर्नियर है। तो इस तरह से हमें कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करना है, फिर मेजरमेंट सिस्टम डिफाइन करना है, उसके बाद हमें कोशिश करना है कि जो अननेसेसरी एक्शन है वो मिनिमाइज रहे, है ना। मींस अगर कोई भी एक्चुअल कॉज ऑफ वेरिएशन है उसको हमें कम से कम करना है या बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है ना। मींस जो ऑब्वियस प्रॉब्लम है ना, या जो ऑब्वियस कॉजेस है उसको रिमूव कर देना है, जिससे कि जो कंट्रोल चार्ट है वो प्रॉपर वे में बने, है ना, और उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट ना हो किसी भी ऑब्वियस प्रॉब्लम का या किसी भी ऑब्वियस कोज का, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि हमें सैंपल सिलेक्शन स्कीम को सेलेक्ट करना है, कि हमें सैंपल कैसे सेलेक्ट करना है ना। सैंपल सिलेक्शन जो है हमारा अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जिससे कि वो एक्सपेक्टेड कोज ऑफ वेरिएशन को पकड़ पाए, ठीक है। इसमें सैंपल सिलेक्शन का कैसे क्राइटेरिया हो सकता है, किसी रैंडम सैंपलिंग करनी है ना, या फिर हैपाजर्डस जो सैंपलिंग करनी है, ठीक है। या बात करें कि हम 5 पीस लेने हैं हमें हर फ्रीक्वेंसी पे, है ना, या कितना फ्रीक्वेंसी पे हमें सैंपल लेना है, तो ये सब सैंपल सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया, है ना। तो हमें वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सैंपल सिलेक्शन स्कीम के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट आता है रेशनल सब ग्रुप्स। तो फ्रेंड्स ये जो सब ग्रुप होता है इसके अंदर जो वेरिएशन है कम से कम होना चाहिए विद इन द सब ग्रुप, लेकिन बिटवीन द सब ग्रुप वेरिएशन मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए। तो इस तरह से हमें सब ग्रुप को सिलेक्ट करना है। अब जो सब ग्रुप का साइज है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट मीन्स जो एक्सपेक्टेड शिफ्ट है या एक्सपेक्टेड वेरिएशन है ना विद इन द सब ग्रुप वो कैप्चर कर पाए, है ना। मीन्स जितना वेरिएशन ज्यादा होगा उतना सब ग्रुप साइज को हम कम कर सकते हैं, लेकिन जितना वेरिएशन कम होगा उतना ही बड़ा हमें सब ग्रुप का साइज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सब ग्रुप का साइज है डिपेंड करता है कि हमारा एक्सपेक्टेड शिफ्ट कितना है या हमारा वेरिएशन कितना है प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं सब ग्रुप के फ्रीक्वेंसी की, कि हमें कितने फ्रीक्वेंसी पे जो डाटा है वो सिलेक्ट करना है या जो सैंपल है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब ग्रुप का फ्रीक्वेंसी है वो 15 मिनट भी हो सकता है, या शिफ्ट एक पर शिफ्ट भी हो सकता है, या ट्वाइस पर शिफ्ट भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है कि जो हमारा सब ग्रुप है उसके अंदर विद इन द वेरिएशन कितना है, और हमारा जो अल्टीमेटली गोल है कि जो प्रोसेस के अंदर चेंजेस है उसको हम कैप्चर कर पाए ओवर द टाइम, है ना। मीन्स ओवर द टाइम प्रोसेस को कैप्चर करने के लिए जितने फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है उतना हमें फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी पड़ेगी फॉर द सब ग्रुप सेलेक्शन, ठीक है।
अब बात करते हैं नंबर ऑफ सब ग्रुप। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप के रिलेटेड रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास इनफ सब ग्रुप होना चाहिए जिससे कि हम मेजर सोर्स ऑफ वेरिएशन को पकड़ पाए। और यूजुअली या कहें हम जनरली जो रिक्वायरमेंट है स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल मैनुअल की, एसपीसी मैनुअल की, कि हमें 25 या फिर उससे ज्यादा के सब ग्रुप हमें सेलेक्ट करने हैं जिसमें लगभग 100 या 100 से ज्यादा इंडिविजुअल रीडिंग्स हो। ठीक है, मीन्स 25 या 25 से ज्यादा सब ग्रुप, 100 या 100 से ज्यादा रीडिंग हो, उसे हम नंबर ऑफ सब ग्रुप सिलेक्ट करेंगे फॉर द एसपीसी स्टडी, फॉर द कंट्रोल चार्ट प्रिपरेशन। ठीक है, अब सैंपलिंग स्कीम जो है, इसमें जो सैंपलिंग जो हमें करनी है वो नॉर्मल सैंपलिंग करनी है या रैंडम सैंपलिंग करनी है वो हमें देखना है। हमें हैपाजर्ड सैंपलिंग नहीं करनी। हैपाजर्ड सैंपलिंग मीन्स हम फॉर एग्जाम्पल हम लंच करने जा रहे हैं, उस समय हमने चेक कर लिया, या लंच से आ गए फिर चेक कर लिया, या छुट्टी में चले गए तो चेक कर लिया, ऐसे नहीं करना। हमें सैंपलिंग स्कीम इस तरह से डिफाइन करनी है कि वो एक अप्रोप्रिएट फ्रिक्वेंसी पे हो। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी सैंपल के साथ बाइस नहीं होने चाहिए कि जी अभी लंच स्टार्ट हुआ है या लंच खत्म हुआ है जब हमने चेक किया। हमें बाइस नहीं होना है कंट्रोल चार्ट प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं कि कंट्रोल चार्ट को बनाते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें रो डाटा को रिकॉर्ड करना है, मीन्स जिस डाटा के ऊपर हमें कंट्रोल चार्ट बनाना है वो डाटा को हमें रिकॉर्ड करना है। अब उस डाटा के ऊपर हमें कंट्रोल स्टेटिस्टिक को कैलकुलेट करना है। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे मीन, मीडियन, रेंज, शून्य डेविएशन, ये सब क्या है, कंट्रोल स्टेटिस्टिक्स हैं। इसको आप अप्लाई करना है, इनके कुछ फॉर्मूलेस हैं, उन फॉर्मूलेस के बेस पे उस डाटा के ऊपर कंट्रोल स्टेटिस्टिक को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब वो जो कंट्रोल स्टेटिस्टिक हमने मिला है, हमें वो हमने कैलकुलेट किया है, उसको हमें प्लॉट करना है कंट्रोल चार्ट में। ठीक है, और जो प्लॉट पॉइंट जो है वो हमें वर्टिकली अरेंज करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें कंट्रोल चार्ट को बनाना है। नेक्स्ट बात करते हैं इस। तो फ्रेंड्स अब हमें कंट्रोल लिमिट को कैलकुलेट करना है और उसको प्लॉट करना है हमें अपने कंट्रोल चार्ट के अंदर। ठीक है, कंट्रोल लिमिट को हमने प्लॉट किया, सेंटर लाइन को भी प्लॉट करना है। सेंटर लाइन मीन्स जो टारगेट लाइन है। ठीक है, अब उसके बाद हमें देखना है कि जो प्लॉटेड पॉइंट थे वो कंट्रोल लिमिट के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर अगर आ भी रहे हैं तो कोई उसके अंदर प्रॉब्लमेटिक पैटर्न तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो हम स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन को आइडेंटिफाई करेंगे, पता लगाएंगे और उसके ऊपर काम करेंगे कि वो दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, अब ये जब सब कुछ हमने किया तो अब वो जो पर्टिकुलर सब ग्रुप था जो कि स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन के कारण आया था उसको हम निकाल देंगे या एक्सक्लूड कर देंगे और कंट्रोल लिमिट को दोबारा कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो पहले वाला कंट्रोल लिमिट था उसके अंदर ऑलरेडी वो स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन को कंसिडर करते हुए वो कैलकुलेट किया गया था, तो अभी हमें रिकैलकुलेट करना है। तो इस तरह से जो नई कंट्रोल लिमिट आ जाएगी तो उसको हम फ्यूचर प्रोसेस को कंट्रोल करने में हम काम में लेंगे, और जो प्लॉटेड पॉइंट जो है उसको हम उस कंट्रोल लिमिट को कंसिडर करते हुए हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे हमें कंट्रोल चार्ट को बनाना है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कंट्रोल चार्ट के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लमेटिक पैटर्न होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहला है कि अगर कोई भी पॉइंट कंट्रोल लिमिट के बाहर हो, चाहे वो अपर कंट्रोल लिमिट के बाहर हो चाहे लोअर कंट्रोल लिमिट के बाहर हो, उस कंडीशन में वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। सेकंड जो है हम देखेंगे कि 7 पॉइंट इन ए रो सेम साइड में नहीं होने चाहिए सेंटर लाइन के। अगर अगर हम इसमें देखें ये बीच में जो सेंटर लाइन है इसके अंदर टोटल 7 पॉइंट जो है वो सेंटर लाइन के लेफ्ट साइड में है। ठीक है, या मैं कहूँ सेंटर लाइन के अपर साइड में है। तो ये जो पैटर्न है ये प्रॉब्लमेटिक पैटर्न है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है जब हम कंट्रोल चार्ट को देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है 6 पॉइंट इन ए रो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं होना चाहिए। अब ये देखें आप थर्ड नंबर वाले पॉइंट में, इसके अंदर टोटल 4 एंड 3 7 टोटल 7 पॉइंट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड में है ना, तो ये प्रॉब्लमेटिक पैटर्न है, हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद है कि 14 पॉइंट लगातार अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए।
ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो जो पॉइंट जो कंसेक्यूटिव वे में है वो अप एंड डाउन है ना, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से है। ये भी एक प्रॉब्लमेटिक पैटर्न है जिसको भी हमें आइडेंटिफाई करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि टू स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, मींस एक अपर कंट्रोल लिमिट होती है, एक लोअर कंट्रोल लिमिट होती है, एक बीच में सेंटर लाइन होती है। और सेंटर लाइन और अपर कंट्रोल लिमिट के बीच में एक वन सिग्मा लाइन है और एक टू सिग्मा लाइन है, ठीक है। तो टू सिग्मा लाइन के ऊपर, या कहें टू स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर, लगातार के तीन पॉइंट में से दो पॉइंट नहीं होने चाहिए सेम साइड में। अगर ये है तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक पैटर्न है, ठीक है। अगर बात करें वन सिग्मा के ऊपर, वन सिग्मा लाइन के ऊपर अगर लगातार के पांच पॉइंट में से चार पॉइंट कंसेक्यूटिव वे में वन सिग्मा लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। अब इस कंडीशन में आप अगर देखें, लगातार फाइव पॉइंट में से जो फोर पॉइंट है वो वन सिग्मा लाइन के ऊपर है, तो ये प्रॉब्लमेटिक पैटर्न है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्रॉब्लमेटिक पैटर्न है वो है कि अगर वन सिग्मा लाइन के अंदर 15 पॉइंट आ जाते हैं लगातार, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो जो पैटर्न बनेगा उसको हम प्रॉब्लमेटिक पैटर्न कहेंगे। अब ये जो है दोनों साइड हो सकता है सेंटर लाइन के, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि अगर वन सिग्मा लाइन के ऊपर आठ पॉइंट आ जाते हैं, और ये जो आठ पॉइंट जो आ रहे हैं वो दोनों साइड में हो सकते हैं, चाहे वो अप साइड में हो, चाहे नीचे साइड में हो, या दोनों को मिला के हो, तो उस पैटर्न को भी हम प्रॉब्लमेटिक पैटर्न कहेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड टोटल एट प्रॉब्लमेटिक पैटर्न्स हैं। अगर वो हमें मिलते हैं कंट्रोल चार्ट के अंदर तो उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें स्पेशल कोज ऑफ वेरिएशन को आइडेंटिफाई करना है, उस स्पेशल कोज ऑफ वेरिएशन के ऊपर काम करना है, और स्पेशल कोज ऑफ वेरिएशन पर काम करने के बाद हमारा जो वेरीफाई करना है कि हमारा जो पैटर्न अब बन रहा है इम्प्रूवमेंट करने के बाद, क्या वो विद इन कंट्रोल लिमिट है या नहीं है, और उसके अंदर एंश्योर करना है कि कोई भी प्रॉब्लमेटिक पैटर्न ना हो। मींस अगर कोई भी प्रॉब्लमेटिक पैटर्न हुआ तो हमें कंट्रोल चार्ट के बिहाफ पे प्रोसेस के ऊपर काम करना पड़ेगा फॉर द इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल चार्ट के टाइप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, कंट्रोल चार्ट दो तरह के होते हैं, जैसा हमने पहले बताया, एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट और वेरिएबल कंट्रोल चार्ट। अब एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट जो है वो चार तरह के होते हैं, पी चार्ट, एनपी चार्ट, सी चार्ट और यू चार्ट, ठीक है। अब वेरिएबल कंट्रोल चार्ट भी चार तरह के होते हैं, एवरेज रेंज चार्ट, एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट, मीन रेंज चार्ट और इंडिविजुअल मीन चार्ट, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये हमारे कंट्रोल चार्ट के टाइप्स हैं। अब इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एवरेज रेंज चार्ट को बनाते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो सब हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो पर कमेंट दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा जिससे वो भी इसके बारे में सीख सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि जो आने वाली वीडियो है उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।